शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा रोजगार की गारंटी करना होगा, बनाया गया है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और देखिए माले के विधायकों का एक बार फिर से प्रदर्शन है। सभी विश्वविद्यालयों में आर्थिक लूट की जांच कराओ, विश्वविद्यालय घोटाला में केंद्र व राज्य सरकार की संलिप्तता की जांच कराओ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रदर्शन है। हमारे साथ इस वक्त माले विधायक संदीप सौरभ हैं। सर, किस चीजों को लेकर मांग है इस बार? देखिये, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के मामला सामने आए तो उसके बाद वाइस चांसलर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, उनके पास अकूत संपत्ति दर्ज मिले हैं। इसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, जिनकी जो पहले भी जब लखनऊ के वाइस चांसलर थे तब भी वहां गड़बड़ी कर चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने छात्रों पर लखनऊ में गोलियां तक चलवा दी है। अब वो बिहार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में है, उनको आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया गया है, उनको पाटलिपुत्रा का भी प्रभार दिया गया था और सब जगह पे माने अथाह पैसे लूटे गए हैं। जो आंसर कॉपी 7 रुपए का है उसको 15 रुपए में बिना किसी टेंडर के खरीदा गया है, और जो बहालियां हो रही हैं वही विश्वविद्यालयों के भीतर उसमें लाखों रुपए तसीले जा रहे हैं। और सिर्फ वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार नहीं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इन दोनों को राजभवन से संरक्षण मिल रहा है, राजभवन में दलाल बैठे हुए हैं जो विश्वविद्यालयों में जाकर के पैसा तसीली कर रहे हैं। तो एक पूरा रैकेट चल रहा है राजभवन से लेकर के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार तक। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है और इसीलिए सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कल विधानसभा के अंदर जब ये मांग उठाई गई, विपक्ष के नेताओं ने जब ये बात उठाई, तब सरकार कह रही कि हम महाभिलेखागार से इसकी जांच करवाएंगे। महाभिलेखागार तो सालों भर ऑडिट करते रहते हैं, उनसे जांच का क्या मतलब है? आपको अगर जांच कराना है तो विधानसभा के अंदर एक कमेटी गठित कीजिए और वो विश्वविद्यालयों के अंदर जो पैसे का लूट हो रहा है उसकी जांच हो, जो नियुक्तियां गलत तरीके से हो रही है उसकी जांच हो, या SIT का गठन कीजिए इस पे, और पर्याप्त जांच की जरूरत है, ये मांग हम लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पर्याप्त जांच की मांग है और इसको लेकर के कमेटी भी ये गठित करने की माले विधायक का कहना है कि कमेटी भी ये गठित हो और यहाँ से फिर जांच हो। मनोज मंजिल जी, आज प्रदर्शन किस चीज को लेकर है आप लोग? अब देखिए, बिहार में जो महामहिम है राज्यपाल महोदय, वही विश्वविद्यालयों के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ 30 करोड़ रुपए पकड़ी गई है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय बिना टेंडर के कॉपी किताब चौक के खरीदारी के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि निकाल लिए हैं। और इसलिए हम जांच की मांग करते हैं कि इन तमाम नियुक्तियों में घोटालों में राज्य सरकार की केंद्र सरकार की संलिप्तता है। राज्यपाल को बर्खास्त करनी चाहिए, कुलपतियों को बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। देखिए माले विधायक हैं और प्रदर्शन है इस बार विश्वविद्यालयों को लेकर के, जिस तरह से तस्वीरें निकल के आई थी, और आज जब शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है तो तमाम माले के विधायक इस वक्त देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा गया 19 लाख रोजगार, नीतीश सरकार जवाब दो, चूंकि 19 लाख की बात हुई थी विधानसभा के समय और वो पूरा नहीं होने के बाद एक बार प्रदर्शन जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।